फाइनली आई एम इन दिल्ली। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिए क्योंकि ये शुरू होने वाला है एक ट्रैवल व्लॉग। ट्रैवल तो मैंने पहले भी करा है पर ये ट्रैवल व्लॉग कुछ खास होने जा रहा है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को मिलने जा रहा हूँ पूरे 2.5 साल के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तुम चुप करोगे? वेलकम बैक टू माय क्लास स्टूडेंट्स, यू शट अप। जिसने भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना अपना हैंड रेज करना। मुझे नहीं पूछना, मैं तो काम करना भाई। वो देख, पहुंची है ये इंग्लैंड के घर में। ये कैसे करते हैं मुझे भी सिखाना। साइड पे आता है। मेरा घर बहुत सुंदर है, रहने दो। थोड़ा ना ढंग से पेश आना, तुम एक व्लॉगर के साथ बात कर रहे हो तो थोड़ा। ए, रुक जा, फिर मैं भी लैपटॉप खोल लेता हूं ना, पागल ऐसे मत कर। हाँ, तेरी चौड़ी स्क्रीन नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों। हाँ, रुक जा, मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ। ये जो फोन पे तूने घी वाले हाथ लगाए हैं वो तो साफ कर ले। तो गाइज, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा a² + b² = c². अबे रुक जा एक मिनट। क्यों, गैस होगी? खुशी आर्यन पाद मारेगा, उड़ जाएगा। क्यों, तुझे आता नहीं? अरे मंजोत है। हो सस्ते नशे, तार चिपक गई छाती से। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने इन कुछ खास दोस्तों के साथ। आए, 32वीं बार आई है इसकी। ये है हमारी मोमो जी, ये है हमारे कोको जी, जो आपको व्लॉग के एंड तक दिख जाएंगे मेरे साथ में क्योंकि मैं जा रहा हूँ इंडिया। चलो यार, कोई बढ़िया गाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें खुशी है ना, वाइब करते हैं किसी सॉन्ग पे। तू बता जो तू कहेगा वो वाले गाने पे वाइब कर। आर्यन कुछ सजेस्ट कर। मैंने तो आज एक गाना सुना था, मैं बताती हूँ, वो वाला सूट नहीं, पंजाबी सूट पता नहीं कौन सा, वो मुझे अच्छा लगा। ये हम बहुत फेक एक्टिंग कर रहे हैं, ये स्क्रिप्टेड है, हमने पहले ही ऑलरेडी बोल दिया था। तो हम सीधा गाना लगाएंगे। चल खुशी लगा दे 52 गज के दामन पे। कोई नहीं, अब तुम्हें आदत बनानी पड़ेगी मेरे साथ अगर व्लॉगिंग में आना। मैंने तुमको भी फेमस करने यार, तभी तो अपनी कमाई होगी, समझा करो, फिर तभी तो हम ट्रिप्स पे जाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पैर सूंघना मेरा, ये मत डाल देना कहीं गलती से, मैं कह रही हूँ गलती से भी। पैर सूंघना, इतना बकसरी सर तू सूंघ मारे पैर। So since I have told you guys that I'm traveling to India soon and I am so much excited for that. तो अभी दो हफ्ते से ज्यादा ही बाकी है वैसे मेरे जाने में, बट मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दिया। एक बैग ऑलरेडी पैक हो चुका है, ये नहीं यार, ये कूड़ा है, वो वाला बैग है मेरा, कूड़ा नहीं लेके जाना। और दूसरा मैं पैक करने लगा हूँ। ऐसे ही लग रहा है यार, 14 साल का बनवास काटा मैंने, सॉरी ज्यादा हो गया, माफ करना भगवान जी। मैं समझ सकता हूँ यार, वो बहुत मुश्किल रहा होगा क्योंकि पिछले 2.5 सालों ने मुझे इतना ज़्यादा अकेला महसूस कराया ना, जितना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करा था। बट anyways, since I'm traveling soon, so I just can't tell how excited I am. खिलेरा देख रहे हो यार कितना ज़्यादा, अभी भी मैंने ना अपना आधे से ज़्यादा सामान ना मतलब निकाल दिया है। But still there's a lot, I don't know how will I deal with this. जो मेरे mostly कपड़े हैं वो उस bag में आ चुके हैं, और जो ये वाला bag है ये मेरे gifts वाला bag है जो मैंने सबके लिए gifts वगैरह लिए हैं। तो मैंने mostly कपड़े ही लिए हैं यार सबके लिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लेना है। ये वाले bags ना मुझे मेरी friend ने suggest करे थे, मतलब वैक्यूम वगैरह करने के लिए होते हैं। और यार ये इतने सही बैग है ना, पहले मेरे बैग में बिल्कुल भी जगह नहीं बन रही थी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मतलब तो ही मतलब ये जगह बना देते हैं इसमें ताकि सामान वगैरह फिट आ जाए उसमें। जो ये कार्डिगन है मैंने अपने मम्मा के लिए लिया, आई थिंक शी विल लव इट, शी विल फॉर श्योर, बिकॉज मम्मी है ना, मम्मी को सब कुछ पसंद आने का, बच्चे भी चाहे जितने मर्जी गंदे हो, माँ का बच्चा बच्चा ही होता है भैया। तो दो चीजों ने ही पूरा लिफाफा भर लिया, अभी तो और सामान डालना था।
सैड लाइफ। तो आप देख सकते हो शरीर की इतनी घिसाई करके ये जो बना है, इससे बैग में काफी जगह बन जाएगी। वेट तो यार एक्चुअली सेम रहता है, चाहे आप वैक्यूम करो चाहे ना करो, बट स्पेस ज्यादा बन जाती है, एक फायदा है इसका। मेरे साथ इतनी गंदी कॉल हुई है ना यार, मुझे पता नहीं चला फोन में वीडियो रिकॉर्ड होनी कब बंद होगी, और मैंने मतलब ऑलमोस्ट पैकिंग खत्म कर दिया। मोस्ट ऑफ द सामान तो आ चुका है, मोस्ट ऑफ द सामान, ये कैसी भाषा हुई। तो अब हम मिलते हैं मेरी फ्लाइट वाले दिन। तो अभी मेरी फ्लाइट में कुछ घंटे बाकी हैं। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका इतना पागलपन। तो मुझे अभी बनानी है गेट रेडी विद मी वाली रील, तो जल्दी से शूट करते हैं। उससे पहले मुझे नहाना पड़ेगा शायद से, क्योंकि अभी नहा लूंगा फिर सुबह नहीं नहाना पड़ेगा, 6 बजे तो निकलना ही है यार। तो मैं जल्दी से गेट रेडी विद मी वाली रील बनाता हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। और अगर वो रील देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सब यार दिमाग में सब कुछ घुल मिल जाता है। तो ये है मेरे नोने नोने से कपड़े जो मैं कल पहनूंगा, क्योंकि मुझे इंडिया में बहुत सुंदर अति सुंदर हैंडसम बन के जाना है, ताकि मेरे ऊपर लोग मरना शुरू हो जाए। ज़्यादा ही नहीं हो गया वैसे, कनाडा से आ रहे हैं ना, सबको पता चलना चाहिए कनाडा तो आया, कनाडा तो। मैंने बाहर से खाना मंगाया था, तो ये खाने से पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर वाइट पे गिर गया तो इसका कबाड़ा हो जाना। बैक टू बेसिक्स, और खाने में है पनीर और साथ में रोटी, पता नहीं कैसी आई है यार, खा के ही पता चलेगा क्या चीज़ है ये। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, 6:20 हो चुके हैं और उबर आ रही है 3 मिनट में, तो जल्दी जल्दी से बैग बाहर निकाल लें। और यहाँ पे हरमन आ चुकी है, मुझे छोड़ने के लिए जा रही है ये। आखरी मजदूरी। तेरी है कितने बजे दी फ्लाइट? फ्लाइट तो मेरी 10 बजे दी है। फिर 6 बजे जाके उसे की लंगर लोना? नहीं लंगर नहीं लाना, खुशी अड्डी है ना जान की। वो कहंदे योर ड्राइवर इज अराइविंग। ओके और वो कहंदे खड़ा रहे, खड़ा आ गया, आ गया का के हो अराइविंग के है ना तू। हाँ तो फिर आ गया, बस 1 सेकंड चाह जाऊंगा, बस नेड़े ही होना। हम निकल चुके हैं, पहले वाले उबर ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया हमारी उबर, भी 2 मिनट सबर नहीं कर सकता था वो। टायर ना टूट जाए बस, बाकी तो खैर है। पर बहुत ज़्यादा सामान है, पीठ में दर्द हो गया। कहाँ रुड़ते जा रहे हो अंकल जी, रुक जाओ यार क्या कर रहे हो। अपने से 3 गुना भार ज़्यादा उठाती हुई, ये है हरमनजोत कौर ब्राड, ब्राड मेरी बहन मुझे छोड़ने जा रही है। ब्राड ब्राड साहब बाय बाय बेसमेंट, तूने हमें जगह दी उसके लिए शुक्रिया। अब हम पता नहीं फिर कब वाकफ होंगे एक दूसरे के। यार लोग ना रुमालों से अपना नाक पूंजते हैं, मैं बंडाना से पूंज रहा हूँ, रुमाल नहीं है मेरे पास। ब्राड साहब सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले ही सोने हाल, सत श्री अकाल। अय हाय इतने तो मेरा नाक लग गया, वैसे मुंह तो लग गया। गिल्ला गिल्ला रुमाल हो गया यार, किथे होना भाई ने। भाई आ भी रहे हैं, देखिए यार भाई, देख के बताना यार भाई। यार व्लॉग बनाने का फायदा देख लो, मेरा पीछे मास्क गिर गया था, मुझे पता चल गया जब मैं वीडियो देख रहा था। व्लॉग बनाया गया, तेरा दिमाग गिर जाता है कई बारी, दिख जाएगा दिमाग ना मेरे में इतना है, गिर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हां बस आकड़ च रहंदी अपनी। अज तो दिन भी थप्पड़ खा के जाने हैं। तू कद मारे हैं भी मेरे, तू ही खा लेगी यार, सेंट बना देनी है मुंह ते। मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी ते मैं तेरे थप्पड़ नहीं मारया था, उत्तो पहले तू भी खाया सीगा, फिर तो ज्यादा नहीं बोलना इत्थे ही दब दूंगा। बाद च ए वो बिहाइंड द सीन्स नहीं दिखाए, ए शट अप हो जा यार। उबर आ चुकी है, चलो तैयारी एयरपोर्ट पे जाने की। तो अभी हम उबर में हैं और हरमन जी भी बैठी हुई हैं पीछे। कैसा लग रहा है आपको मैं जा रहा हूँ? ठीक है, मिस नहीं करोगे?
मैं अभी नहीं करूंगा भाई, जैसी को तैसी। एयरपोर्ट आने वाला है और दिन भी चढ़ चुका है बाहर। आप भी इंडिया जा रहे हो? मैं मिस करूंगा। क्या रही है? सबके लिए रोया, मेरे लिए रो नहीं रहा। उन्होंने जहाज ही नहीं चढ़न देना। तेरी शक्ल देख के मैंने रोना नहीं आ रहा, हासा ही निकल रहा। इन्होंने एडजस्ट वगैरह कर लिया, वेट मेरा ज्यादा था काफी और मुझे एक्स्ट्रा भी नहीं पे करना पड़ा, तो अब बस यही सामान रह चुका और मेरा जो हैंड बैग था वो भी उसी में जा रहा है लगेज में। यार मैं सच में बोल रहा हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विस तो एयर कनाडा की भी नहीं देखी कि वो मतलब फ्री में एक्स्ट्रा वेट लेकर जाने दे दें, और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैंने ड्यूटी फ्री से 2 परफ्यूम लिए हैं गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यार टैक्स वगैरह नहीं पड़ता तो सस्ते मिल जाते हैं, और मुझे लेने भी थे अपने फ्रेंड्स के लिए थोड़े बहुत, तो यहाँ से ही खरीद लिए मैंने। कितना सुंदर एयरपोर्ट बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि अभी चाइनीज न्यू ईयर था इसलिए यहाँ पर ये लैंटर्न्स वगैरह लगी हुई हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही चाइनीज न्यू ईयर निकल के गया है इसलिए यहाँ पर काफ़ी डेकोरेशन हुई हुई है, बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ है, और मेरे बिल्कुल पीछे एक्वेरियम है। गर्मी से हालत इतनी ज़्यादा टाइट हो रही है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा मोटा कोट है और यहाँ पे हीटर चल रहे हैं, पर मैंने सिर्फ इस चक्कर में डाला है क्योंकि बैग में जगह नहीं थी यार, पहले ही ओवरवेट थे वो। तंग हो रहा हूँ मैं तो, फ्लाइट में जाके पहले कोट ही उतारूंगा ये सबसे पहले। तो मैं गेट पे भी पहुंच चुका हूँ पर अभी घंटे से ज़्यादा पड़ा और मुझे लगता नहीं कि अभी एयरप्लेन आया भी होगा। अभी बोर्डिंग में 1 घंटा पड़ा है और प्लेन तो सामने आके खड़ चुका है, और अब सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो मैं फ्री हूँ, घर पे फ़ोन वगैरह लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं फ़्लाइट से पहले हमेशा लगाता होता हूँ, क्योंकि मेरा डर रहता है कि अगर इनकेस कुछ हो जाए, बहुत नेगेटिव सोचता हूँ मैं। वैसे कुछ नहीं होने वाला, बाबा जी अपने साथ ही हैं। ये इस लिफाफे में बैठा कितना क्यूट लग रहा है। हेलो मैम, तो फ्लाइट में भी आ चुका हूँ, बस टाइम से दिल्ली पहुंच जाए यही है अब तो। बाकी अभी तक मेरा एयर इंडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है, जैसे कि मैंने लोगों से सुना था उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। बैम हैप्पी जर्नी बोल रहे सबको। Finally, I am in Delhi and I am so happy right now. दिल्ली एयरपोर्ट पे इसकी वीडियो बननी तो मस्त है। इमिग्रेशन भी होगी, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे मेरी पगड़ी वाली फोटो थी, और अब मेरा हेयर कट है, पर सब कुछ सही जा रहा है अब तक तो फिलहाल, और अब मैं लगेज वगैरह पिक करने के लिए आया हूँ। मेरे सारे बैग आ चुके हैं, अब चलते हैं बाहर। मेरा सारा सामान मेरे पास है और अब मैं जा रहा हूँ पार्किंग में, क्योंकि वहाँ पर मेरी टैक्सी वेट कर रही है, तो फिर टैक्सी में बैठ के निकलते हैं पटियाला के लिए। यार बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है, पहले ही बहुत थकावट हो रखी है क्योंकि 16 घंटे की फ़्लाइट थी, पर कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि सारी थकान खुद ब खुद दूर हो ही जा रही है। मुझे जहाँ पर उन्होंने वेट करने को कहा था मैं वहाँ पर ही खड़ा हूँ, पर मुझे कोई दिख नहीं रहा और मेरे पास सिम नहीं है तो मैं कॉल भी नहीं कर सकता। मैं किसी को भी कॉल करने को कह रहा हूँ, कोई भी कॉल करने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या ही नमूने लोग हैं, बहाने डाली जा रहे हैं यार कि रिचार्ज नहीं है। एक फ़ोन कॉल ही तो करने को कह रहा हूँ यार, इतना सा साथ तो दे दे कोई। मेरे पास सिम कार्ड होता नहीं, ज़रूरत पड़नी थी फिर मुझे बोलने की। मैं फाइनली कार में आ चुका हूँ यार, मिल गए थे मुझे, तो अब हम जा रहे हैं पटियाला के लिए।
रोलर कोस्टर राइड शुरू होगी यहाँ पे। यार यहाँ पर तो गर्मी से इतना बुरा हाल हो रहा है ना मेरा अभी, मतलब मैंने इसके ऊपर भी कोट डाला हुआ था पर गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। असली खतरों के खिलाड़ी तक गया। काफी अच्छा व्यू पॉइंट आता है ऊपर से और खुशबू भी, कूड़े के पहाड़ हैं। अब मैं पहुंच चुका हूँ मूर्थल और यहाँ पे रुका हूँ मैं डिनर करने के लिए, और मैंने अपने लिए थाली ऑर्डर करी है, तो खाना वगैरह खा के फिर से चलते हैं पटियाला की ओर। थकावट तो यार बहुत ज़्यादा हो चुकी है पर एक्साइटमेंट ही इतनी है यार कि सब कुछ बस अच्छा लग ही जा रहा है। तो ये आ चुकी है मेरी थाली और यार काफ़ी दिनों के बाद इतना लाजवाब खाना खाने को मिल रहा है। जो कनाडा में बैठे हुए देख रहे हैं ना मेरा ब्लॉग, आपको भी खाने का मन कर रहा होगा ना, देख लो यार इसमें सौंफ है, एक खा लेता हूँ और तीन जेब में डालूंगा। मेरे स्वागत में ढोल बजाया जा रहा है। तो अब हम पटियाला में एंटर कर चुके हैं और घर की ओर जा रहे हैं, पर अभी मम्मी को ये चीज़ नहीं पता कि मैं घर पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रहा हूँ आज रात के लिए, तो एक तरह से उनके लिए सरप्राइज ही होगा। तो मिलते हैं घर पे पहुँच के। तो मैं सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। Hello. That's what it was, John. Look, I'm back. Look, yeah. I like you, man. कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाए, कभी कभी कहीं टूटे कहीं जुड़ जाए, हम शाम शहर के चाँद। आपने कभी ये डिज्नी का स्टिच इन रियल देखा? ये देखो अंगड़ाएं आ रही थी मैं जब जोर से। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया, अपने बैग्स भी पैक शुरू कर दिए, पैक करने शुरू कर दिए। देख लो एक बार सही आ रहा है। ओके मैंने बा क्या खड़च खड़च आवाज निकाली जा रही है डंगर। मैंने बाहर से खाना मंगाया। काफी बड़ा एक्वेरियम बना हुआ है यार यहाँ पे। यार मैं इतना यार 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 कौन सा यार है मेरा जो यार यार लगा हुआ है। गर्मी से यार इतना ज्यादा बुरा यार यार नहीं करना मुझे। I'm shooting vlog. एक भी बैंग नहीं मिला बना लो। मेरा सारा ओह टच्ची पलट गए थे यार। गज का दामन पहले यही कर ले तू। अभी मैं मंजोत के लिए सारा प्रिपरेशन कर रहा हूँ।